आज के दिन इंफोसिस लिमिटेड का रिजल्ट आज डिक्लेयर होता नज़र आ रहा है। रिजल्ट के साथ साथ आज इंफोसिस की बायबैक अनाउंसमेंट भी कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से नज़र आती हुए नज़र आ रही है। आज आप देख सकते हो इंफोसिस का टोटल मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के करीब ट्रेडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन इंफोसिस का रेट 1400 के करीब है और आज के दिन कंपनी ने उसका क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। सो बेसिकली आप देख सकते हो आज की डेट में कंपनी की ओर से काफ़ी सारी अलग अलग अनाउंसमेंट बीएसई की साइट पे नज़र आ रही है। आउट ऑफ इट हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड्स द फाइनल डिविडेंड्स, उसकी रिकॉर्डेड और बायबैक की डिटेल का हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो बेसिकली बायबैक का हम बात करें तो दो टाइप के बायबैक रहते हैं। एक टेंडर रूट से बायबैक रहता है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओपन मार्केट परचेस से बायबैक होता है। सो बेसिकली ये जो इंफोसिस का आज की डेट में बायबैक अनाउंसमेंट हुआ है उसमें ओपन मार्केट बायबैक हुआ है। ये कहने का मतलब जो इंफोसिस का मैनेजमेंट है वो कोई एक बैंकर को अपॉइंट करेंगे और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बैंकर है वो ओपन मार्केट में से इंफोसिस कंपनीज के शेयर्स परचेस करेंगे। सो बेसिकली टेंडर रूट बायबैक में यही फर्क रहता है कि टेंडर रूट के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स है जिनके पास कंपनीज के शेयर्स है, लाइक TCS में 3000 रुपीज़ का बायबैक आया था टेंडर रूट से, विप्रो में भी बायबैक आया था। सो बेसिकली ये दोनों कंपनी का जो बायबैक की हम बात करें वो दोनों टेंडर रूट से हुए थे। सो टेंडर रूट से जिन शेयर होल्डर के पास शेयर पड़े हुए हैं वो सिर्फ ये पर्टिकुलर जो ओपनिंग डेट रहती है टेंडर रूट में वो टाइम पे उसका शेयर कंपनी को टेंडर कर सकते हैं। ऑन पर्टिकुलर डेट कंपनी ये पर्टिकुलर शेयर्स जो टेंडर होते हैं उनमें से जो भी शेयर्स एलिजिबल होते हैं फॉर द बायबैक वही सिर्फ एक्सेप्ट करती है और बाकी दोबारा उसको शेयर होल्डर को रिटर्न कर देती है। वेर इन ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी ने एक कॉर्पस अनाउंसमेंट किया होता है, डेली बेसिस पे 30 दिन लगातार कंपनी बाय कर सकती है फ्रॉम दी ओपन मार्केट। एक ओपन मार्केट में प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, टेंडर रूट में प्रमोटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ओपन रूट की हम जब बायबैक की हम बात करते हैं तो वो टाइम पे जब भी जो फ्री फ्लोट कैपिटल है शेयर्स का, जो फ्री ट्रेडेड शेयर्स है उसका नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाता है आफ्टर द सक्सेसफुल बायबैक। सो आज के बायबैक के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी ने यानी इंफोसिस ने 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। उसके लिए आप देख सकते हो जून 1 इज द रिकॉर्ड डेट फॉर द बायबैक और डिविडेंड सेल बी पेड आउट जून 25। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कंपनी ने 9200 करोड़ का कॉर्पस बायबैक के लिए अनाउंसमेंट किया है, विच इज लेस देन 15% एग्रीगेट टोटल पेडअप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और उसके लिए प्राइस डिसाइड किया है 1750। आज की डेट में 1400 रुपीज़ का रेट चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हो। सो बेसिकली ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ का प्रीमियम कंपनी ने मैक्सिमम डिक्लेयर किया हुआ है। सो कहने का मतलब 7550 इज नॉट द फिक्स रेट, इट इज द मैक्सिमम रेट। यहाँ होगा क्या कि इंफोसिस का मैनेजमेंट जो ओपन मार्केट से शेयर्स बाय करेंगे मैक्सिमम रेट 1750 तक ही करेंगे। कल जाके समझो इंफोसिस 1800 हो जाता है तो पूरा बायबैक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ साफ बोला है कि 1750 के ऊपर हम कोई भी शेयर बाय नहीं करेंगे। सो कल के दिन समझो इंफोसिस का रेट 1400 के लेवल पे ट्रेड होता है तो इंफोसिस का मैनेजमेंट जो भी बैंकर अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोग समझो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो यहाँ बाय करने वाले हैं वो है 52 करोड़। सो 52.57 करोड़ टोटल शेयर्स बाय करने हैं इन पर्टिकुलर दिस बायबैक। सो उनमें से 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ कोई भी अमाउंट का शेयर्स कल के दिन बाय कर सकते हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए भी एक प्रोविजन रखी जाती है, बायबैक पीरियड भी डिसाइडेड होता है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर कंपनी ने 9200 करोड़ तक का शेयर्स बाय कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम नंबर 1750 उसकी मैक्सिमम कैप है, समझो 1400 में मिलेगा, 1500 में मिलेगा, 1600 में मिलेगा। सो बेसिकली ईच एंड एवरी रेट पे कंपनी का मैनेजमेंट बाय करते जाएंगे टिल द 52 करोड़ शेयर्स बाय नहीं हो सकते तब तक। अब समझो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि कल इन्फोसिस समझो 1300 हो जाता है और 9200 के कॉर्पस में कंपनी 55 करोड़ शेयर्स बाय कर सकती है, तो क्या कंपनी ज़्यादा शेयर बाय कर सकती है? तो उसका आंसर है नो। कंपनी सिर्फ 52.57 करोड़ शेयर्स ही बाय करेगी, उसके लिए उसको 8500 करोड़ का एक्सपेंस करना पड़े या तो 9200 करोड़ तक उसका कॉर्पस एक्सपेंस करना पड़े। सो बेसिकली ये पूरा स्पेसिफाइड प्री डिसाइडेड पूरा क्राइटेरिया रहता है, ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया में ही कंपनी को ये दायरे में रह के ही पूरी प्रोसीजर करनी रहेगी। अब हम बात करते हैं कल के दिन, तो यहाँ आप एडीआर में देख सकते हो अभी लाइव ट्रेडिंग हो रही है और आज के दिन यानी एडीआर में इन्फोसिस का रेट -5.5% दिखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब कल के दिन हमको इन्फोसिस का रेट 1340 से लेकर 1350 तक दिखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो बायबैक ओपन ऑफर मार्केट बायबैक आया है ये एक मतलब शेयर होल्डर फ्रेंडली बायबैक हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ शेयर होल्डर को सीधा सीधा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि शेयर होल्डर का शेयर्स परचेज नहीं हो रहा है, ओपन मार्केट में से ही परचेज हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और सीधा सीधा ओपन मार्केट में से ही इन्फोसिस का शेयर्स बाय होने वाला है। और कल के दिन इन्फोसिस के शेयर के अंदर 5-6% की गिरावट दिखने को मिल सकती है। और इसी के साथ हम आज की अपडेट